नमस्कार, मैं उप्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। दोस्तों, बिहार के सभी जिलों के पर्यटन स्थलों को जानने के क्रम में आज हम बात करेंगे लखीसराय जिले की। लखीसराय दक्षिण बिहार में आने वाला यह जिला मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। एक स्वतंत्र जिले के रूप में अस्तित्व में आने से पहले लखीसराय मुंगेर जिले का एक अनुमंडल था। 3 जुलाई 1994 को इसे मुंगेर जिले से अलग करके एक स्वतंत्र जिला बनाया गया। अगर इस जिले की पर्यटन स्थलों की बात करें तो यह भी बिहार के अन्य कई जिलों की तरह अपने धार्मिक दर्शनीय स्थलों के लिए जाना जाता है। तो आइए एक नजर डालते हैं यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल पर। यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में अशोक धाम मंदिर का नाम सबसे ऊपर है, जिसे इंद्र देवनेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के बनने के पीछे भी एक रोचक कहानी है। बात 7 अप्रैल 1977 की है। अशोक धाम का चरवाहा प्रतिदिन गाय चराने के लिए जाया करता था। एक दिन गिल्ली डंडा खेलने के क्रम में उसने एक विशाल शिवलिंग को धरती के अंदर पड़ा देखा। उसने शिवलिंग को उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उसे जरा सा भी हिला नहीं पाया। इसके बाद उसी स्थान पर एक मंदिर का निर्माण किया गया। तभी से इस मंदिर का नाम अशोक धाम मंदिर पड़ गया है। 11 फरवरी 1993 को जगन्नाथ पुरी के शंकराचार्य ने मंदिर परिसर के पुनर्निर्माण का उद्घाटन किया। इस मंदिर में शिवरात्रि और सावन के महीने में श्रद्धालु भारी संख्या में इकट्ठा होते हैं। धार्मिक अनुष्ठानों के साथ साथ यह मंदिर मुंडन संस्कार के लिए भी बहुत लोकप्रिय है। दूसरा है जलप्पा स्थान। वियावान प्राकृतिक छटाओं और घाटी नुमा भूमि के बीच अवस्थित शक्तिपीठ मां जलप्पा देवी स्थान जिले में भी काफी प्रसिद्ध है। जलप्पा देवी पर आस्था रखने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ मंगलवार को खूब लगती है। इसके अलावा यहां प्रत्येक पूर्णिमा, पंचमी, अमावस्या, मंगलवार एवं शनिवार को दूर दराज से लोग पहुंचते हैं। चानन प्रखंड के पूर्व मुख्यालय बन्नू बगीचा से 2 किलोमीटर उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र और जिला मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर पूर्व दिशा में अवस्थित जलप्पा स्थान मुख्य रूप से गौ पूजा के लिए जाना जाता है। अगला है रिंगी ऋषि। जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर चानन और कजरा के पहाड़ी क्षेत्रों में बसा है रिंगी ऋषि धाम। इस जगह का नाम रिंगी ऋषि के नाम पर रखा गया है। रिंगी ऋषि धाम में ऐसी मान्यता है कि राजा दशरथ पुत्र की प्राप्ति के लिए रिंगी ऋषि धाम पधारे थे। कहा जाता है कि बाबा रिंगी के प्रताप से राजा दशरथ को भगवान राम सहित चारों पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद राजा दशरथ ने अपने पुत्रों को यहां मुंडन करवाया था। इस धाम में भगवान शिव एवं माता पार्वती की अद्भुत मूर्तियां विराजमान हैं। आपको बता दें, रिंगी ऋषि धाम में एक स्नान कुंड भी है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस कुंड में स्नान करने से कई सारी बीमारियां दूर होती है, परंतु इस कुंड से जुड़ी एक रोचक बात है कि कुंड में आने वाली पानी का स्रोत कहां से है, पानी कहां से निकलती है, इसका अभी तक कोई पता नहीं लगा पाया है। अगला है माँ दुर्गा स्थान। माँ दुर्गा का यह मंदिर लखीसराय जंक्शन से 10 किलोमीटर दक्षिण में लखीसराय थाना क्षेत्र के शर्मा में क्यूल नदी के किनारे स्थित है। दशहरे के अवसर पर यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है, जो देखने लायक होता है। यहाँ जाने के लिए लखीसराय स्टेशन के पास से आपको ऑटो मिल जाएगा। अब बात करते हैं अभयनाथ स्थान की। अभयपुर गांव के दक्षिण में पहाड़ की चोटी पर अवस्थित यह पवित्र स्थान आसपास के इलाके में काफी प्रसिद्ध है। जिले के लोगों का मानना है कि बाबा अभयनाथ के नाम पर ही गांव का नाम अभयपुर पड़ा। यहां हर साल आषाढ़ के पूर्णिमा को भव्य पूजा अर्चना होती है। यहां जाने के लिए आपको मसूदन स्टेशन से पैदल लगभग 1 किलोमीटर पहाड़ का रास्ता तय करना पड़ेगा। अन्य गंतव्यों में आप पोखरामा, यह दर्शनीय स्थान बहुत सारे मंदिर और तालाब के लिए जाना जाता है। स्थित दुखभंजन स्थान, काली स्थान, ठाकुरबाड़ी, शेम तरिनी, सूर्य मंदिर और साध बाबा पूरे क्षेत्र में पूजनीय है। महापर्व छठ के अवसर पर यहां पर भारी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना करने आते हैं, या फिर आप गोविंद बाबा स्थान जा सकते हैं। यह स्थल इस पूरे क्षेत्र में पूजनीय है। यह मंदिर मानो रामपुर गांव में स्थित है। धार्मिक रूप से इस स्थान का काफी महत्व है। इस मंदिर की मुख्य विशेषता यहां का पूजा है, जिसको ढाक के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, बिहार के जिलेवार पर्यटन स्थलों को बताने के क्रम में हम दूसरे जिले का अगला वीडियो जल्द ही लेकर आपके सामने आएंगे। आपको बता दें, इस वीडियो में दी गई जानकारी हमने इंटरनेट से ली है। अगर किसी तरह की त्रुटि हुई तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। इसके साथ ही अगर आपने कभी इस जिले का भ्रमण किया हो या आप इस जिले के हैं, तो आपके अनुसार इस जिले का कोई पर्यटन स्थल अगर हमारी तरफ से छूट गया है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिसका जिक्र हम अगले वीडियो में करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके साथ ही आप इस जिले के अपने पसंदीदा जगह के बारे में भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए हमें इजाजत दे दीजिए और बिहारी न्यूज को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए तथा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।